हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्स के बारे में। दोस्तों, हम सब एक सुपरसोनिक एरा में रहते हैं जहां डेवलपमेंट बढ़ता ही जा रहा है, और दोस्तों इसी डेवलपमेंट के साथ इंसान खुद को और बेहतर बनाता जा रहा है। और दोस्तों, इसी डेवलपमेंट में ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन भी शामिल है। ऑटोमोबाइल के शुरुआती दिनों से ही ऑटोमेकर्स दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार की प्रोडक्शन के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, साल दर साल एक नई कार आती है और पुरानी कार का रिकॉर्ड तोड़ जाती है। हर कार कंपनी यह दावा करती है कि उनकी कार फास्ट है, पर दोस्तों ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें यह कन्फ्यूज़न होती है कि आखिर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार कौन सी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की 10 सबसे तेज कारें, यानी कि टॉप 10 फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, अगर आप एक कार लवर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं टॉप 10 राज यूट्यूब चैनल, नॉलेज जो आपके काम आए। नंबर 10, सेलिन S7। दोस्तों, सेलिन एक अमेरिकन बेस्ड कार कंपनी है और इस कंपनी की तरफ से सन 2000 में 7 लीटर V8 इंजन के साथ सेलिन S7 को लॉन्च किया गया। दोस्तों, सेलिन S7 का इंजन 1000 हॉर्स पावर पर बेस्ड था, जो इसे 248 माइल्स पर आवर यानी कि 399 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देने में सक्षम बनाता है। और दोस्तों, यह स्पीड उस समय में बहुत ही तेज मानी जाती थी। दोस्तों, 2017 में सेलिन ने S7LM को भी अनाउंस किया था, जिसकी स्पीड 298 माइल्स पर आवर की थी और उसका इंजन 1500 हॉर्स पावर पर बेस्ड था। पर दोस्तों, उस कार को कभी प्रोड्यूस ही नहीं किया गया और वह सिर्फ बेंचमार्क्स पर ही रह गई। नंबर 9, मैकलरन स्पीडटेल। दोस्तों, स्पीडटेल सबसे नई कारों में से एक है जिसे 2019 में ही लॉन्च किया गया था। स्पीडटेल को आइकॉनिक F1 का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। दोस्तों, इसकी सेंटर में ड्राइवर की सीट के साथ 3 सीट लेआउट सिस्टम इस कार को दूसरे कारों से अलग बनाता है। इस लिस्ट के सभी कारों से अलग स्पीडटेल एक हाइब्रिड है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ट्विन टर्बो 4 लीटर V8 गैसोलीन इंजन का संयोजन होता है। दोस्तों, कंपनी के हिसाब से स्पीडटेल 250 mph यानी कि 402 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने में सक्षम है, जिससे यह कंपनी की सबसे तेज चलने वाली कार भी बन जाती है। हालांकि ब्रिटिश फर्म को अभी तक इस बात का सबूत जारी करना है कि स्पीडटेल वास्तव में ऐसी गति के लिए सक्षम है। नंबर 8, बुगाटी वेरोन। दोस्तों, बुगाटी वेरोन को 2005 में लॉन्च किया गया और दोस्तों 2005 में ही इसने 408 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को छूकर सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, इस कार को अपने समय में सबसे तेज कार माना जाता था, जो इसके लिए एक गर्व की बात है। दोस्तों, इस सुपरकार में 8 लीटर W16 का इंजन यूज किया गया है, जो 407 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, बुगाटी वेरोन इस लिस्ट में एकमात्र ऐसी बुगाटी है जो 1000 HP से कम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। नंबर 7, SSC अल्टीमेट एरो। दोस्तों, अल्टीमेट एरो वह कार है जिसने बुगाटी वेरोन से कुछ समय बाद ही सबसे तेज सुपरकार होने का रिकॉर्ड चुरा लिया था। दोस्तों, SSC ने ट्विन टर्बो इंजन के साथ 2007 में अल्टीमेट एरो को लॉन्च किया और दोस्तों लॉन्च के समय में ही इसने बुगाटी वेरोन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि अल्टीमेट एरो को 2013 में कई लिमिटेड एडिशन मॉडल के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन SSC अब दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार पर काम कर रही है। दोस्तों, इस कार के इंजन को और भी पावरफुल बनाने के लिए 6.3 लीटर V8 इंजन को 6.9 लीटर V8 इंजन के साथ सुपरचार्ज किया गया है और दोस्तों यह इसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। नंबर 6, कॉनिग्सेग एगेरा आर। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 6वें नंबर पर आता है एगेरा आर, और दोस्तों ये कार कॉनिग्सेग कंपनी की सबसे तेज कारों में से एक है। दोस्तों, 2011 से 2014 तक प्रोड्यूस्ड एगेरा आर में कंपनी का 5 लीटर V8 इंजन यूज किया गया है, जो 1024 HP को प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, इसकी टॉप स्पीड 418 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों, ऑफिशियली एगेरा आर को 2011 में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एगेरा आर ने टॉप प्लेस के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया था, फिर भी इसकी टॉप स्पीड बुगाटी वेरोन सुपर स्पोर्ट के लगभग बराबर मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। नंबर 5, बुगाटी शेरोन। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे फास्टेस्ट कार है बुगाटी शेरोन, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया। दोस्तों, बुगाटी शेरोन में उसके ही पुराने मॉडल का क्वाड टर्बो W16 इंजन को बरकरार रखा गया है, लेकिन पावर को 1480 HP और 1080 पाउंड फीट टॉर्क में अपग्रेड किया गया है।
दोस्तों बुगाटी शिरोन ने अपने लॉन्च के बाद काफ़ी नाम कमाया और 420 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड की वजह से काफ़ी चर्चा में भी रही थी। और दोस्तों ये कार बुगाटी की सबसे महंगी कारों में से भी एक है। नंबर 4, बुगाटी वेरॉन सुपर स्पोर्ट। दोस्तों हमारे लिस्ट में बुगाटी कार का सिलसिला अभी भी जारी है। बुगाटी वेरॉन सुपर स्पोर्ट करंट टाइम के अनुसार काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन यह अभी सबसे तेज सुपर कार्स में से एक है। दोस्तों 432 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ यह हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है। दोस्तों बुगाटी वेरॉन सुपर स्पोर्ट सभी वेरॉन में सबसे पावरफुल था, जिसमें 8 लीटर W16 इंजन का यूज किया गया था, जो रेगुलर वेरॉन से 197 HP ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता था। दोस्तों बुगाटी ने इस कार के फेमस होने की खुशी पर 30 वर्ल्ड रिकॉर्ड लिमिटेड एडिशन कार्स को भी लॉन्च किया, परंतु उनकी टॉप स्पीड 428 किलोमीटर पर आवर की सीमित थी। नंबर 3, हेनेसी वेनम GT। दोस्तों यह हमारे लिस्ट में दूसरी अमेरिकन कार कंपनी है जो सुपरकार बनाती है, और यह कार अपने हेनेसी वेनम GT सुपरकार के लिए पूरे दुनिया भर में फेमस है। दोस्तों वेनम GT को 2011 में लॉन्च किया गया था और इसका उत्पादन 2017 तक चला, लेकिन इतने लंबे समय तक प्रोडक्शन के बावजूद भी केवल 13 कार का ही निर्माण किया गया था। दोस्तों इस कार का इंजन ट्विन टर्बो 7 लीटर V8 इंजन पर बेस्ड है, जो 1244 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। दोस्तों वेनम GT ने फरवरी 2014 में अपनी हाईएस्ट स्पीड 435 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गया था, फिर भी अपने समय में सबसे तेज गति वाली कार होने के बावजूद भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के योग्य नहीं था। केवल 13 कारों का सीमित उत्पादन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नियमों के खिलाफ था, इसलिए इस कार को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया। नंबर 2, कॉनिग्सेग एगेरा RS। दोस्तों एगेरा का सबसे पावरफुल वर्जन है एगेरा RS, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। नवंबर 2017 में लॉन्च होने के बाद यह दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार बन चुकी थी। दोस्तों इसने उस समय 447 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को छू लिया था। इस कार में 5 लीटर V8 इंजन का यूज किया गया है, जो 1160 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, परंतु यह रिकॉर्ड ज़्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि हमारी लिस्ट की नंबर 1 कार ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों कॉनिग्सेग एगेरा RS 25 यूनिट से पूरी दुनिया भर में बिक्री के लिए अवेलेबल कराई गई थी, जो एक कार के हिसाब से काफ़ी कम है। दोस्तों यही कारण है कि एगेरा RS ज़्यादा रिकॉर्ड स्थापित नहीं कर पाई। नंबर 1, बुगाटी शिरोन सुपर स्पोर्ट 300+। दोस्तों ये हमारी लिस्ट की चौथी बुगाटी कार है, और दोस्तों यही कार दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार भी है। हालांकि स्टैंडर्ड बुगाटी शिरोन पहले से ही दुनिया की सबसे तेज कारों में से एक है, पर दोस्तों फ्रांसीसी फर्म बुगाटी एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहती थी, इसलिए कंपनी ने एक और पावरफुल कार को लॉन्च किया। बुगाटी ने सेंटो DC कार से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल इंजन का यूज किया, जो 1578 हॉर्स पावर पर बेस्ड था। इस कार में गियरबॉक्स के गियर रेशियो को थोड़ा और बढ़ाया गया और कार की लंबाई को लगभग 10 इंच तक बढ़ाया गया था। दोस्तों 490 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इस कार को दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार बनाती है। दोस्तों दुनिया में सिर्फ ऐसी 30 कारें बनी हैं और गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपनी फेवरेट कार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।